हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज असी नेक्स्ट टॉपिक जिहड़ा करांगे वो आ म्यूचुअल इंडक्शन। जिस तरह असी सैल्फ इंडक्शन पढ़िया सी कि जदों किसी कॉयल दे विच करंट इनक्रीज़ हुंदा है तो सेम कॉयल दे विच इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुंदी है। इहदे विच की है, दो कॉयल्स ने, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी कॉयल है। जदों असी प्राइमरी कॉयल दे विच बैटरी नूं यूज़ करके टैपिंग की के नूं क्लोज़ करांगे तो प्राइमरी कॉयल विचों करंट इनक्रीज़ होएगा, लेकिन फ्लक्स जिहड़ी आ वो सेकेंडरी कॉयल दी भी चेंज होएगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉयल दे विच प्रोड्यूस होएगी। इहदे विच करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो गलवानोमीटर की है उस करंट दे फ्लो नूं डिटेक्ट करेगा। सब तो पहला म्यूचुअल इंडक्शन की है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉयल वैन मैगनैटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉयल चेंजेस। जदों भी किसी कॉयल की मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होएगी तो वो लागे जी पाई दूसरी कॉयल है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। नैक्सट है कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या असी इनू म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। वैन वी क्लोज द टैपिंग की के करंट बिगिनस टू इनक्रीज थ्रू द प्राइमरी कॉयल, एज ए रिजल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉयल विच इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एट द सेम टाइम इंड्यूस्ड ई एम एफ लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल ऑल्सो चेंजेस। सो ड्यू टू द इंक्रीज इन करंट इन प्राइमरी कॉयल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल चेंजेस। सो फाई एस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉयल। ये जिहड़ा कॉन्सटेंट आ जाएगा उन्होंने कैपिटल एम नाल नोट करांगे, विच इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वैन आई पी इक्वल्स टू वन यूनिट, जो आई पी वन ले लिए एम फाई एस दे इक्वल हो जाता है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन की होगी, इट इज़ द मैगनैटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉयल वैन यूनिट करंट इज़ पास थ्रू द नेबरिंग कॉयल। जदों नेबरिंग कॉयल दे विचों यूनिट करंट पास करांगे तो जिहड़ी आ फ्लक्स चेंज हो जाएगी दूसरी कॉयल दी, इस करके असी बोलते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन की है, इट इज़ द मैगनैटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल वैन यूनिट करंट इज़ पास थ्रू द नेबरिंग कॉयल। असी फैराडेज़ लॉज पढ़े आ, लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन, वो एक फार्मूला पढ़िया सी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स। हुण इत्थे सेकेंडरी कॉयल की जिहड़ी फ्लक्स चेंज हुई है तो ईएमएफ भी सेकेंडरी विच प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, हुण सेकेंडरी कॉयल की ईएमएफ जिहड़ी है उहदा फार्मूला आ गया माइनस डी फाई एस ओवर डी टी। इत्थे फाई एस की वैल्यू असी पुट कर देंगे एम आई पी पुट करती, एम कॉन्सटेंट है, एम बार आ गया तो साढ़े को फार्मूला बन गया माइनस एम डी आई पी ओवर डी टी। ठीक है, ये फार्मूला बन गया इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉयल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉयल। ये यूनिट्स की गल करिए, एसआई सिस्टम के यूनिट्स भी हैनरी है। जिस तरह असी सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट हैनरी पढ़े उस तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस जोड़ा है वो यूनिट भी हैनरी है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेट टू बी वन हैनरी वैन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द इन ए कॉयल इज वन एम्पियर पर सेकेंड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉयल इज वन वोल्ट। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, सिर्फ इतने दो कॉयल्स की गल की है, नेबरिंग कॉयल वर्ड यूज़ किया, बाकी सारी डेफिनेशन वन हैनरी की सेल्फ इंडक्टेंस वाली है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेट टू बी वन हैनरी वैन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज वन एम्पियर पर सेकेंड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉयल इज वन वोल्ट। ठीक है, ये बड़ा ईजी टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन असी पढ़ चुके हैं पहला, आज असी की है म्यूचुअल इंडक्शन ते उहदे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जिहड़ा कीता है, दोनों नूं जिहड़ा पिछला भी पढ़ लेना नाले दे नाल कंपेयर कर लेना, बड़ा ईजी है। टेक केयर, बाय।